हेलो स्टूडेंट्स, अपना गुरुकुल यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8 नवोदय बैच का चैप्टर नंबर 1, जिसका आज ये लेक्चर नंबर 1 होगा। लेक्चर नंबर 1 में हम नंबर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। नंबर्स कौन कौन से टाइप के होते हैं, कौन कौन से नंबर्स को कैसे लिखा जाता है, नंबर लाइन कैसे रिप्रेजेंट की जाती है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ने वाले हैं वो मैंने यहाँ पे बोर्ड पे लिखा है। सबसे पहले इंट्रोडक्शन होगा, जिसके अंदर नंबर्स क्या होते हैं, डिजिट्स क्या होते हैं, उसके बारे में आपको बताया जाएगा। उसके बाद में नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, नेचुरल नंबर लाइन कैसे लिखी जाती है। उसके बाद में होल नंबर्स क्या होते हैं, और फिर इंटीजर्स पढ़ के हम इंटीजर के टाइप्स भी पढ़ेंगे कि कितने टाइप्स के इंटीजर्स हो सकते हैं। तो देखो, सबसे पहले हम देखते हैं कि डिजिट्स क्या होते हैं। इसको समझने के लिए आप एक इस तरीके से एक एग्जांपल याद रख सकते हो कि जिस तरीके से हम इंग्लिश में वर्ड्स, सेंटेंसेस और पैराग्राफ को बनाने के लिए क्या करते हैं, ए टू जेड के लेटर्स को यूज करते हैं, सिमिलरली उसी तरीके से मैथमेटिक्स में क्या करते हैं, जितने भी नंबर्स हमारे को बनाने हैं उन नंबर्स को बनाने के लिए हम कुछ सिंबल यूज करते हैं, कुछ सिंबल्स यूज करते हैं, उन सिंबल्स को क्या बोलते हैं, डिजिट बोला जाता है। तो मैथ में हमने स्टार्टिंग में जैसे कि इंग्लिश अल्फाबेट में 26 सिंबल्स होते हैं जिनको हम लेटर बोलते हैं, सेम उसी तरीके से मैथमेटिक्स में नंबर्स को बनाने के लिए हमारे पास टोटल 10 सिंबल्स होते हैं, 0 to 9। इन सिंबल्स को हम क्या बोलते हैं, डिजिट्स बोलते हैं। एक चीज और ध्यान रखना, टोटल 10 डिजिट्स होने की वजह से जो हम जो नंबर सिस्टम पढ़ते हैं, जिसमें नंबर्स के बारे में पढ़ा जाता है, उस नंबर सिस्टम को किस नाम से जाना जाता है, डेसिमल नंबर सिस्टम। अब डेसिमल नंबर सिस्टम का मतलब है, डेसी का मतलब होता है 10, मतलब ऐसा कोई नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं जिसके अंदर टोटल 10 डिजिट्स यूज की जाती है। मैं एक और एग्जांपल से आप लोगों को समझाता हूँ। जैसे हम कंप्यूटर की बात करें तो कंप्यूटर में क्या होता है, जो भी डेटा स्टोर होता है ना, वो सारा का सारा 0-1 की लैंग्वेज में स्टोर होता है, जिसको बाइनरी बोला जाता है, यानी 0 और 1 केवल दो ही डिजिट्स वहां पे यूज किए जाते हैं। तो वहां जो नंबर सिस्टम यूज करते हैं वो कौन सा नंबर सिस्टम होता है, बाइनरी नंबर सिस्टम। तो आई होप आप लोगों को ये चीज समझ में आ गई। बाई का मतलब होता है 2, यानी ऐसा नंबर सिस्टम जिसमें दो डिजिट यूज करते हैं केवल, वो क्या कहलाता है, बाइनरी नंबर सिस्टम। ऐसा नंबर सिस्टम जिसमें टोटल 10 डिजिट यूज होते हैं, उस नंबर सिस्टम को क्या बोला जाता है, डेसिमल नंबर सिस्टम। यानी हम जो नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं, जिसमें नंबर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, वो नंबर सिस्टम क्या कहलाता है, डेसिमल नंबर सिस्टम। आई होप आप लोगों को ये चीज समझ में आ गई होगी। अब जब डिजिट्स को क्या किया जाता है, अरेंज कर दिया जाता है, तो वो क्या बना लेते हैं, नंबर्स बना लेते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 7542, ये एक नंबर है जिसके अंदर हमने 7542 इसको इस तरीके से अरेंज कर दिया। जब इनको हमने अरेंज किया तो जो हमारे को मिला ये 7542, ये क्या मिला हमारे को, नंबर। तो नंबर्स क्या होते हैं, नंबर्स बेसिकली डिजिट्स को अरेंज करने के बाद में जो फॉर्मेट मिलता है उसको क्या बोलते हैं, हम नंबर बोलते हैं। ये भी बिल्कुल सिंपल सी चीज है, आप लोगों ने छोटी क्लासों में पढ़ी होगी। इसके बाद में अब हमने क्या किया है, सभी नंबर्स को अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड कर दिया है कि भाई इन नंबर्स को हम ये बोलेंगे, इन नंबर्स को ये बोलेंगे, उनके रूल्स के हिसाब से भाई कौन कौन सी वो प्रॉपर्टीज फॉलो करते हैं, उसके हिसाब से नंबर्स की हमने कैटेगरी बना दी है। जैसे कि काउंटिंग नंबर्स है, जब मैं बोलूं कि काउंटिंग सुनानी है तो आप लोगों के दिमाग में सबसे पहले ये आता है कि 1 2 3 4 5, तो काउंटिंग नंबर्स को हमने क्या बोला है, नेचुरल नंबर्स। तो नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, जो काउंटिंग नंबर्स होते हैं उनको नेचुरल नंबर्स बोलते हैं। अब एक चीज और ध्यान रखना, नेचुरल नंबर बहुत सारे हैं, 1 2 3 4 5, ये जो नेचुरल नंबर्स है इन सबका पूरे का सेट है, सेट मतलब कलेक्शन। इस कलेक्शन को किससे डिनोट किया जाता है, कैपिटल एन से डिनोट किया जाता है, और कैपिटल एन बराबर क्या होगा, 1 2 3 4 5 अप टू एंड सो ऑन, आगे तक चलते रहेंगे, इनफाइनाइट तक आगे तक चलते रहेंगे। तो ये जो नंबर्स हमने देखे हैं, ये नंबर्स कौन से थे हमारे, नेचुरल नंबर्स। तो नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, स्टार्ट फ्रॉम 1 एंड टिल द इंफिनिटी, 1 2 3 4 5 आगे तक चलते रहते हैं। अब इन नंबर्स को एक नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किया जाता है, तो कैसे किया जाएगा, तो देखो यहाँ पे मैंने लिखा है नेचुरल नंबर लाइन। तो नेचुरल नंबर लाइन क्या होगी, एक ही साइड तक एक्सटेंड होती है, एक ही साइड से एक्सटेंड होगी, क्यों, क्योंकि 1 से छोटा तो कोई है नहीं, तो केवल 1 2 3 4 5 6 7 8, तो आगे तक चलते रहेंगे, और सभी जो हमने यहाँ पे नंबर्स बनाए वो इक्वल इक्वल डिस्टेंस पे सारे नंबर्स अरेंज कर दिए। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे को 3 को क्या करना है, इस नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ
एक डॉट बना देंगे और यहां हमने क्या कर दिया, 3 को रिप्रेजेंट कर दिया। तो नंबर लाइन का इस तरीके से हम यूज कर सकते हैं। यहां हम लोग नेचुरल वगैरह इन नंबर लाइन का यूज नहीं करेंगे, डायरेक्ट हम लोग रेशनल नंबर जो कि हमारे चैप्टर का नाम भी होने वाला है, जो कि हो सकता है हम आज के लेक्चर में ही पढ़े, नेक्स्ट लेक्चर में इसके बारे में स्टार्ट होगा हमारा। आज हम नंबर्स के बेसिक्स को पढ़ रहे हैं, यहीं से निकल के फिर क्या होगा हम लोग रेशनल नंबर तक पहुंचने वाले हैं। उसी के तरीके से अब देखो नेचुरल नंबर्स में क्या है, जीरो इंक्लूड नहीं हुआ। जब हम क्या करते हैं नेचुरल नंबर में जीरो को भी क्या कर लेते हैं, इंक्लूड कर लेते हैं, तो वो जो नए नंबर का कलेक्शन बनता है उन नंबर्स को क्या बोलते हैं, होल नंबर। होल नंबर्स क्या होते हैं, इनके सेट को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, डब्ल्यू से रिप्रेजेंट किया जाता है। डब्ल्यू मतलब होल, होल का पहला लेटर उठा लिया, नेचुरल में कैपिटल इसका नेचुरल का कैपिटल वाला पहला वाला लेटर एन हमने पिक कर लिया। तो होल नंबर क्या होंगे, देखो नेचुरल नंबर तो है ही, नेचुरल नंबर में क्या किया जीरो को भी इंक्लूड कर लिया, तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये आगे तक चलने वाले नंबर्स क्या कहलाएंगे, हमारे होल नंबर्स कहलाते हैं। अब होल नंबर्स को भी नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो होल नंबर की नंबर लाइन कहां से स्टार्ट होगी, जीरो से स्टार्ट होगी और फिर आगे तक जाएगी। एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है ध्यान रखने वाली कि यहां क्या होगा, ये भी वन साइडेड है, यानी एक ही साइड में क्या होगी, इनफाइनाइट तक जाती है। अब मैं बार बार एक साइड क्यों बोल रहा हूँ, इसको आप लोगों को इंटीजर जब पढ़ोगे तब और अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि इंटीजर में क्या होता है, ये नंबर लाइन इस साइड भी जाएगी और इस साइड भी जाती है। इंटीजर तक पहुंचने से पहले हम लोग एक नोट देखते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट नोट है, इसके ऊपर एक नंबर में क्वेश्चन बन सकता है, स्टेटमेंट दे देगा, ट्रू फॉल्स के ऊपर पूछा जा सकता है। क्या है कि ऑल नेचुरल नंबर्स आर ऑल्सो होल नंबर्स बट ऑल होल नंबर्स आर नॉट नेचुरल नंबर्स। अब इसका क्या मतलब है, देखो मैंने क्या बोला कि जितने भी नेचुरल नंबर है ना वो सारे के सारे होल नंबर भी है। तो देखो नेचुरल नंबर कौन से है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ये है, क्या ये सारे के सारे नंबर इधर आ रहे हैं, आप लोग देख पा रहे होंगे, देखो होल नंबर में भी क्या है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, यानी मैं बोल सकता हूँ सारे के सारे नेचुरल नंबर होल नंबर में तो आ रहे हैं, लेकिन क्या सारे के सारे होल नंबर नेचुरल नंबर में आ रहे हैं, सारे के सारे होल नंबर नेचुरल नंबर में नहीं आ रहे, क्या है जीरो छूट गया है। तो हम बोल देंगे कि सारे के सारे नेचुरल नंबर क्या होते हैं, होल नंबर होते हैं, लेकिन सारे के सारे होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं होते, जीरो छूट जाता है। आई होप आप लोगों को ये नोट भी समझ में आ गया होगा। अब हमारे जो नेक्स्ट टाइप का नंबर है वो है इंटीजर्स। इंटीजर्स का मतलब होता है ऐसे नंबर जो डेसिमल या फ्रैक्शन में नहीं होते, यानी पॉइंट्स में नहीं होते, तो नंबर्स को हम क्या बोलते हैं, इंटीजर्स बोलते हैं। इंटीजर का जो सेट है उसको आई या जेड से डिनोट किया जाता है। अब ये जेड का क्या मतलब होता है, जेड का मतलब है एक जर्मन लैंग्वेज का वर्ड है जिसका नाम है जेहलिन और इसका मतलब होता है टू काउंट। अब टू काउंट मतलब है गिनती करना, गिनना किसी नंबर को गिनना। तो एक्चुअल में गिनती क्या होती है, माइनस के इन्फिनिटी से स्टार्ट होती है और फिर आगे चलती आएगी, फिर -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 और प्लस के इन्फिनिटी तक चलती है। तो इसलिए हम बोल सकते हैं जो काउंटिंग एक्चुअल में है, काउंट करना क्या होगा, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस के इन्फिनिटी तक काउंटिंग कर सकते हैं हम लोग। तो वहां से जेड वर्ड उठा लिया, जेहलिन नाम है इसका, JHLEN, तो वहां से जेहलिन का जेड पहला वाला वर्ड उठा लिया, लेटर हमने पिक कर लिया। तो ध्यान रखना इंटीजर्स को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, आई या जेड से रिप्रेजेंट किया जाता है उनके पूरे कलेक्शन को, और कौन से नंबर्स इंटीजर होते हैं जो फ्रैक्शन या डेसिमल में यानी पॉइंट में नहीं होते हैं। अब इंटीजर्स में क्या होगा, देखो ये वाले पॉजिटिव नंबर तो होते ही है, इंटीजर में हमने क्या किया माइनस वाले नंबर को भी इंक्लूड कर लिया, तो ये वाले नंबर हमारे पहले से ही थे। अब हमने क्या किया -1, -2, -3 इन सब नंबर्स को भी क्या कर लिया, इंक्लूड कर दिया, और ये पूरा कलेक्शन क्या कहलाता है, आई या जेड यानी इंटीजर्स का कलेक्शन कहलाता है। अब इसमें भी देखो दो तरीके से नंबर यहां पे इंक्लूडेड है, ये तो वन से लेके आगे तक प्लस के इन्फिनिटी तक के नंबर्स और एक माइनस वन से माइनस के इन्फिनिटी तक के नंबर्स। तो वन से लेके आगे तक के जो नंबर्स है, जो पॉजिटिव नंबर्स है, इनको क्या बोला जाता है, पॉजिटिव इंटीजर्स बोला जाता है, और जो माइनस वन से लेके माइनस इंफिनिटी तक के नंबर्स है इनको क्या बोला जाता है, नेगेटिव इंटीजर्स बोला जाता है। अब इनको लिखा कैसे जाता है, तो नेगेटिव इंटीजर्स को आई के ऊपर छोटा सा माइनस या जेड के ऊपर छोटा सा माइनस लगा के रिप्रेजेंट किया जाता है, और पॉजिटिव इंटीजर्स को आई प्लस या जेड प्लस से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। आप एक चीज और ध्यान से देखोगे तो आप बोल सकते हो कि जो पॉजिटिव इंटीजर्स है ये एक्चुअल में नेचुरल नंबर्स भी तो है, क्योंकि नेचुरल नंबर्स हमने क्या पढ़े हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ऐसे आगे तक चलते रहेंगे,
सिमिलरली क्या है, पॉजिटिव इंटीजर्स भी क्या होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 आगे तक इन्फिनिटी तक चलते रहेंगे। तो कभी कभी क्या होता है क्वेश्चन में कंफ्यूज क्रिएट करने के लिए क्या कर सकता है, कंफ्यूजन के क्रिएट करने के लिए कि वो नेचुरल नंबर ना देके उसकी जगह पॉजिटिव इंटीजर्स यूज कर सकता है या पॉजिटिव इंटीजर्स ना देके उसकी जगह नेचुरल नंबर्स यूज कर सकता है। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि हमने क्या नंबर्स कैसे पढ़े थे। अब लेकिन यहाँ भी क्या है, देखो जीरो छूट गया अभी, तो जीरो को क्या माना जाता है, ना तो पॉजिटिव माना जाता है ना ही नेगेटिव माना जाता है, यानी एक्चुअल में न्यूट्रल है, ना तो एक प्लस का है ना ही माइनस का है, जीरो एक न्यूट्रल नंबर है। अब एक चीज और ध्यान रखना, जब हम इंटीजर पढ़ रहे होते हैं ना तो उसमें ऑटोमेटिकली नेचुरल नंबर्स और होल नंबर तो इंक्लूड है, क्योंकि देखो इंटीजर्स के अंदर क्या है नेचुरल नंबर कैसे इंक्लूडेड है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ये इसमें आ रहा है, होल नंबर्स भी इंक्लूडेड है क्या, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो हम बोल सकते हैं इंटीजर्स में क्या होता है नेचुरल नंबर्स और होल नंबर दोनों पहले से क्या होते हैं इंक्लूडेड होते हैं। तो जब हम इंटीजर पढ़ रहे होते हैं ना तो ये मत सोचना कि नेचुरल नंबर होल नंबर क्यों नहीं पढ़ रहे हम, ये ऑटोमेटिकली इसमें क्या हो गए शामिल हो गए, यानी इंटीजर्स पढ़ रहे मतलब नेचुरल नंबर होल नंबर भी हम साथ में पढ़ ही रहे। अब देखो इंटीजर नंबर लाइन क्या होती है, यानी कि नंबर्स को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो अब इंटीजर नंबर लाइन क्या होती है दोनों तरफ तक एक्सटेंड होगी, यानी इधर प्लस के इन्फिनिटी तक जाएगी इधर माइनस के इन्फिनिटी तक जाएगी। और यहाँ जो जीरो है जीरो को क्या बोला जाता है ओरिजिन बोला जाता है, यानी सारी चीजें हम जीरो से मेजर करेंगे। तो 0, 1, 2, 3, 4, 5 पॉजिटिव डायरेक्शन में आ गया और ये इधर की तरफ नेगेटिव डायरेक्शन में आ गया -1, -2, -3। तो ये जो नंबर लाइन है ये दोनों तरफ एक्सटेंड होती है इन्फिनिटी तक। आई होप आप लोगों को ये चीजें समझ में आ गई होगी, एक बार इनको नोट कर लीजिए, नेक्स्ट स्लाइड पे हम कुछ और टाइप के नंबर्स हैं उनको भी देखते हैं। कुछ और टाइप के नंबर्स भी हैं जिनको भी हम आप आगे देखते हैं। तो देखो सबसे पहला है नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, अब इसको बहुत ध्यान से समझना, क्या बोला नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स का मतलब है वो इंटीजर्स जो नेगेटिव नहीं है, यानी कि देखो 1, 2, 3, 4, 5 ये तो नेगेटिव है ही नहीं, क्या जीरो नेगेटिव होता है, लास्ट स्लाइड पे हमने देखा था कि जीरो ना तो पॉजिटिव होता है ना ही नेगेटिव होता है, तो अभी हमारे को केवल ये बताना है कि जो नेगेटिव नहीं है तो क्या जीरो नेगेटिव होते हैं, यानी वो जीरो नेगेटिव नहीं होता। तो हम क्या करेंगे, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स का मतलब होता है जो नेगेटिव नहीं है, तो जो जो नेगेटिव नहीं होते उन सबको इंक्लूड कर देंगे, तो ये जो नंबर्स मिल गए ये हमारे कौन से नंबर्स है, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। ध्यान रखना नॉन नेगेटिव का मतलब होता है जो नेगेटिव नहीं है। अब नेगेटिव नहीं है उनको हम सोचेंगे केवल, तो जो प्लस वाले होते हैं वो तो कभी हो ही नहीं सकते नेगेटिव, तो यानी कि ये तो कभी नेगेटिव होंगे ही नहीं। फिर बात करते हैं जीरो की, तो जीरो ना पॉजिटिव होता है ना ही नेगेटिव होता है, लेकिन अभी हमारे को पॉजिटिव नेगेटिव से कोई मतलब नहीं, हमें तो ये देखना है जो नेगेटिव नहीं है क्या जीरो नेगेटिव होता है, जीरो नेगेटिव नहीं होता उसको हमने क्या कर दिया इसमें इंक्लूड कर दिया। तो 0, 1, 2, 3, 4, 5 ये जो नंबर्स है ये क्या कहलाता है, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स कहलाते हैं। क्या हम इन्हीं नंबर्स को डब्ल्यू भी बोल सकते हैं, यानी होल नंबर्स भी बोल सकते हैं क्या, होल नंबर्स भी क्या होते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5 यही होल नंबर्स भी होते हैं। तो हम बोल सकते हैं कभी कभी क्वेश्चन में होल नंबर्स की जगह क्या यूज किया जा सकता है, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स यूज किया जा सकता है, तो वहां पे हमें कंफ्यूज नहीं होना है। उसके बाद में सेम उसी तरीके से नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स, जो पॉजिटिव नहीं है, तो देखो ये जो नेगेटिव वाले हैं ये तो कभी पॉजिटिव हो ही नहीं सकते, उसके साथ ही क्या जीरो पॉजिटिव होता है, जीरो ना तो पॉजिटिव होता है ना ही नेगेटिव, लेकिन हमारे को नेगेटिव से क्या मतलब है, उसने क्या बोला नॉन पॉजिटिव यानी पॉजिटिव नहीं हो, तो जीरो पॉजिटिव नहीं होता, तो हम जीरो को यहां भी क्या कर लेंगे इंक्लूड कर लेंगे। तो ये जो नंबर्स मिले हैं हमारे को ये कौन से नॉन पॉजिटिव इंटीजर, जो पॉजिटिव नहीं है, मैं यहां लिख भी देता हूं कि जो पॉजिटिव नहीं है। ध्यान रखना ऐसे नहीं समझना कि जो पॉजिटिव नहीं है इसका मतलब क्या होगा नेगेटिव होगा, ठीक है, इसमें जीरो भी इंक्लूड हो गया। अब आता है ओड इंटीजर्स क्या होते हैं, तो ओड इंटीजर्स वो होते हैं विच आर नॉट डिविजिबल बाय टू, यानी जिनके अंदर टू का डिवाइड हम नहीं कर सकते, यानी वो नंबर दो से डिवाइड नहीं होंगे, नॉट डिविजिबल बाय टू, ऐसे नंबर्स को क्या बोलते हैं ओड इंटीजर्स बोलते हैं। कौन कौन से हो सकते हैं, तो देखो प्लस और माइनस दोनों का वन हो सकता है, प्लस माइनस का 3 हो सकता है, प्लस माइनस का 5 हो सकता है, प्लस माइनस 7 हो सकता है, प्लस माइनस 9 हो सकता है,
प्लस माइनस 11 हो सकता है एंड सो ऑन, आगे तक चलते रहेंगे। ये सभी वो नंबर्स हैं जो क्या होंगे, दो से डिविजिबल नहीं होंगे। तो इन नंबर्स को जनरली क्या किया जाता है, एक फॉर्मूले से रिप्रेजेंट कर दिया जाता है टू एन, और यहाँ पे एन क्या है, एन मतलब है इंटीजर, एन यानी आई यानी इंटीजर। अब मैंने क्या बोला उसका मतलब समझो, सॉरी टू एन प्लस वन से रिप्रेजेंट किया जाता है किसको, ओड इंटीजर्स को। अभी मैं इसको एक एग्जांपल से समझाऊंगा, पहले हम एक बार इवन इंटीजर्स को पढ़ लेते हैं। इवन को जब पढ़ लेंगे तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो इवन इंटीजर्स क्या होते हैं, जो डिविजिबल बाय टू होते हैं, यानी कि जिनके अंदर दो का भाग जाएगा, डिविजिबल बाय टू। कौन कौन से हो गए, एक तो प्लस माइनस टू हो गया, प्लस माइनस फोर हो गया, प्लस माइनस सिक्स हो गया, प्लस माइनस एट हो गया, प्लस माइनस टेन हो गया। आप जीरो को भी मान सकते हो, क्यों, क्योंकि जीरो में भी टू का भाग जाता है, ठीक है। लेकिन कभी कभी कहीं जगह पे जीरो को इंक्लूड किया है, कहीं नहीं किया है। लेकिन हम ये जीरो क्या करते हैं, किसी नंबर किसी डिजिट के आगे लग के क्या कर देता है, उसको दो से डिविजिबल बना देता है। तो हम मान सकते हैं कि जीरो भी क्या है, एक इवन इंटीजर, ठीक है। आगे प्लस माइनस 12 आएगा, ये सब वो नंबर्स है जिसके अंदर दो का भाग जाता है, यानी दो से ये डिविजिबल होते हैं। इनको क्या किया जाता है, 2n से रिप्रेजेंट किया जाता है। यहाँ n का मतलब क्या है, इंटीजर। अभी मैंने क्या लिखा है इसको समझो, मैं क्या करूंगा इस फॉर्मूले में 2n में n की जगह पे इंटीजर की वैल्यू पुट करूंगा। इंटीजर क्या होता है, 0 1 2 3 4 5 और माइनस 1 माइनस 2, ये कोई सी भी वैल्यू पुट करूंगा। अगर मुझे इन्हीं में से कोई मिलता है, यानी कि मैं बोल सकता हूँ ये फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई किया जा सकता है। तो जैसे मैं यहां लिखूं, जैसे मैंने n की जगह पे 0 पुट किया तो क्या मिला, 2 मल्टीप्लाई 0 बराबर 0। क्या 0 यहां आ रहा है क्या, हाँ 0 यहां आ रहा है। n की जगह पे अगर मैं 1 पुट करूं तो कितना आएगा, 2 मल्टीप्लाई 1 बराबर 2। क्या 2 यहां आ रहा है, 2 यहां आ रहा है। उसके बाद मैं n की जगह पे मैं माइनस का 1 पुट करूं तो कितना आएगा, 2 मल्टीप्लाई माइनस 1, ये प्लस का है ये माइनस का है, मल्टीप्लाई करने पे कितना आएगा, माइनस आएगा, 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया 2, यानी प्लस का 2 भी आ रहा है माइनस का 2 भी आ रहा है। ध्यान रखना जिसके आगे कोई भी साइन लगा हुआ नहीं है वो किसका है, प्लस का है, ठीक है। तो यहाँ क्या होगा, प्लस और माइनस का 2 दोनों इससे आगे, क्या और भी आ सकता है क्या, तो एन बराबर 2 रखो तो कितना आएगा, 2 मल्टीप्लाई 2 बराबर 4, 4 भी देखो यहाँ आ रहा है। इसके बाद में एन बराबर माइनस 2 रखो तो 2 मल्टीप्लाई माइनस 2 इज इक्वल माइनस का 4। यानी हम बोल सकते हैं कि इस फॉर्मूले में एन की जगह पे इंटीजर्स की वैल्यू पुट करोगे तो हमारे को सारे के सारे इवन इंटीजर्स मिल जाएंगे। सेम उसी तरीके से इस वाले को भी देख सकते हैं हम लोग, एन की जगह पे इंटीजर की वैल्यू पुट करते हैं तो सबसे पहले एन की जगह पे 0 पुट करते हैं तो कितना आएगा, 2 मल्टीप्लाई 0 प्लस 1 बराबर 1, क्योंकि 2 मल्टीप्लाई 0 तो 0 हो जाएगा और प्लस 1 करोगे तो 1 आ गया। फिर एन की जगह पे हम क्या पुट करते हैं, 1 पुट करते हैं तो 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 1, पहले मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आया, 2 प्लस 1 किया 3, तो देखो 1 आ गया 3 आ गया। अब नेगेटिव भी एक उठा के देख लेते हैं, n बराबर माइनस का 1 पुट करो तो कितना आएगा, 2 मल्टीप्लाई माइनस 1 प्लस 1। अब यहाँ क्या हो गया, 2 मल्टीप्लाई माइनस 1 कितना हो गया, माइनस का 2 और प्लस का 1। माइनस 2 में प्लस 1 करेंगे तो कितना बचेगा, माइनस का 1। तो यानी कि प्लस का और माइनस का 1 दोनों किससे निकाला जा सकता है, इस फॉर्मूले से निकाला जा सकता है। तो पूछा जा सकता है जो ओड इंटीजर्स होती है उनकी जनरल फॉर्म क्या होती है, 2n प्लस 1, और इवन इंटीजर्स की जनरल फॉर्म क्या होती है, 2n होती है। आई होप आप लोगों को ये चीज समझ में आ गई होगी। अब इसके ऊपर अभी तक जो हमने पढ़ा है उसके ऊपर 2-3 क्वेश्चंस कर लेते हैं, फिर नेक्स्ट स्लाइड पे हम लोग कुछ और तरीके के नंबर्स भी होते हैं उनको पढ़ते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नेचुरल नंबर, यानी इन चारों में से कौन सा नेचुरल नंबर है हमें पहचानना है। तो नेचुरल नंबर्स होते क्या है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये नेचुरल नंबर्स होते हैं हमारे। तो इनमें से ढूंढो कौन सा वाला आ रहा है, तो ये तो पॉइंटों वाला नंबर है, डेसिमल वाला, ये तो हो नहीं सकता। ये नेगेटिव नंबर है, ये हो नहीं सकता। जब ये दोनों नहीं है तो ऑल ऑफ दीज वाला केस तो हो ही नहीं सकता। 65 आता है क्या 1, 2, 3, 4 इस काउंटिंग में, तो हम बोल सकते हैं 65 हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। आई होप ये चीज आप लोगों को समझ में आ गई होगी। सेकेंड में क्या होगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर, मतलब यहाँ पे क्या होता है, एक भी हो सकता है या एक से ज्यादा भी क्या हो सकता है हमारा करेक्ट आंसर हो सकता है, एन इंटीजर, एक इंटीजर है। तो इंटीजर के लिए कंडीशन क्या है कि वो डेसिमल नहीं होना चाहिए, प्लस का और माइनस का हो सकता है। तो ये देखो 6 हो सकता है, पॉजिटिव इंटीजर है लेकिन इंटीजर तो है, ये माइनस का है ये भी हो सकता है, 0 भी एक इंटीजर होता है लेकिन ना तो पॉजिटिव होता है ना ही नेगेटिव, लेकिन इंटीजर तो होता है।
ये डेसिमल में आ गया तो हम बोलेंगे ये इंटीजर नहीं होगा, तो ये तीनों क्या होंगे हमारे इंटीजर्स होंगे। ये भी एग्जांपल आई होप समझ में आ गया होगा आप लोगों की। अगला है थर्ड क्वेश्चन कि ऑल होल नंबर्स आर ऑल्सो नेचुरल नंबर्स। अभी हमने एक नोट देखा था लास्ट स्लाइड पे, उसमें हमने देखा था सारे के सारे नेचुरल नंबर्स, जैसे यहाँ पे बताऊं नेचुरल नंबर्स क्या है 1, 2, 3 ये नंबर्स है, और होल नंबर्स क्या है 0, 1, 2, 3। तो क्या सारे के सारे नेचुरल नंबर्स होल नंबर्स में आ रहे हैं? हाँ देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये यहाँ आ रहा है। लेकिन क्या सारे के सारे नेचुरल नंबर होल नंबर में आ रहे हैं? आप लोग देखोगे कि क्या सारे के सारे होल नंबर नेचुरल नंबर में आ रहे हैं? जीरो वाला जो होल नंबर है वो नेचुरल नंबर में नहीं आ रहा। अब स्टेटमेंट को पढ़ो, सारे के सारे नेचुरल नंबर होल नंबर में आ रहे ऐसा स्टेटमेंट है या सारे के सारे होल नंबर नेचुरल नंबर में आ रहे वो स्टेटमेंट है? तो यहाँ पे क्या है, ऑल होल नंबर्स आर ऑल्सो नेचुरल नंबर्स। क्या सारे के सारे होल नंबर्स नेचुरल नंबर्स है क्या? देखो नहीं है, तो हम बोलेंगे कि ये जो स्टेटमेंट है वो क्या है, फॉल्स है। अगर यही स्टेटमेंट उल्टा लिखा हुआ होता कि ऑल नेचुरल नंबर्स आर ऑल्सो होल नंबर्स, तो हम बोलते कि ये क्या है, स्टेटमेंट ट्रू है। आई होप आप लोगों को ये चीज समझ में आ गई होगी, इसे भी आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट स्लाइड पे हम कुछ और टाइप के नंबर्स है उनको भी पढ़ते हैं। कुछ और टाइप के नंबर्स है जिनको भी हम अब आगे देखते हैं। नेचुरल नंबर्स को ही हमने दो तीन कैटेगरी में और डिवाइड किया है, तो ध्यान रखना जो भी हम आगे नंबर पढ़ने वाले हैं एक्चुअल में नेचुरल नंबर के ही टाइप है, यानी कि इनमें जो भी नंबर आएंगे वो एक्चुअल में नेचुरल नंबर्स में से ही पिक किए जाएंगे। तो जो सबसे पहले टाइप का नंबर है वो है प्राइम नंबर, बहुत इंपॉर्टेंट है ध्यान रखना, ये बहुत जगह पे यूज होते हैं हमारे यहाँ पे मैथमेटिक्स में, बहुत जगह पे यूज होगा, इसलिए अच्छे से ध्यान से पढ़ना और इसके सभी नोट को इंपॉर्टेंट है उनको याद जरूर रखना है, डायरेक्ट नोट पे ही क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो देखो क्या है प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, सिंपल से समझ लो। प्राइम नंबर को समझने से पहले मैं आपको एक मतलब समझाता हूँ एक टॉप वर्ड का, फैक्टर्स क्या होते हैं। अब फैक्टर्स जैसे फॉर एग्जाम्पल 24 है, अभी हमें 24 के क्या बताने, फैक्टर्स बताने हैं। तो फैक्टर्स का वो मतलब होता है कि वो सभी नंबर्स बताओ जिन नंबर से हम 24 को क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। तो किस किस से कर सकते हैं, 1 से डिवाइड कर सकते हैं, 2 से डिवाइड कर सकते हैं, 3 से, 4 से, 6 से, 8 से, 12 से और 24 से। इन सभी नंबर से हम क्या कर सकते हैं, 24 को डिवाइड कर सकते हैं। तो ये सारे नंबर्स क्या कहलाएंगे, फैक्टर्स कहलाएंगे, किसके, 24 के। आई होप आप लोगों को फैक्टर का मतलब समझ में आ गया होगा। मैंने इसलिए बताया है क्योंकि अभी मैं ये वर्ड बार बार बीच में यूज करूंगा, तो आप लोगों को वहां पे कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो देखो प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, प्राइम नंबर्स वो नेचुरल नंबर्स होते हैं जिनके अंदर या तो एक का डिवाइड, जिससे मतलब उन नंबर्स में या तो एक से भाग जाए यानी एक से वो डिविजिबल हो, या खुद से हो यानी खुद की टेबल में आते हो। और ये तो आप लोगों को पता ही होगा जितने भी नंबर्स होते हैं उन नंबर्स को हम एक से डिवाइड कर ही सकते हैं, सभी नंबर्स एक से डिविजिबल होते हैं। तो ऐसे नंबर्स, ऐसे नेचुरल नंबर्स जो केवल एक से और खुद से यानी इटसेल्फ से क्या हो, डिविजिबल हो, यानी कि उनके केवल कितने फैक्टर्स होंगे, दो फैक्टर्स होंगे, एक तो खुद होगा और एक क्या होगा, वन होगा। तो ऐसे नेचुरल नंबर्स को हम क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर्स बोलते हैं। तो मैंने डेफिनेशन लिखी है, तो देखो दो नेचुरल नंबर्स, ध्यान रखना नेचुरल नंबर्स में से ही लेने हैं, नेगेटिव नंबर या फिर जीरो वगैरह को इंक्लूड नहीं करना है, विच आर ओनली डिविजिबल बाय वन एंड इटसेल्फ, जो या तो एक से डिविजिबल होते हैं या खुद से डिविजिबल होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, उसके केवल दो फैक्टर्स होंगे, यानी कि और हैव ओनली टू फैक्टर्स, वन एंड इटसेल्फ। ऐसे नंबर्स को, ऐसे नेचुरल नंबर्स को हम क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर्स बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए देखें हम 2, तब 2 में किसका डिवाइड होगा, या तो 1 से डिवाइड होगा या 2 से डिवाइड होगा। 3, 3 में भी क्या होगा, या तो 1 से डिवाइड कर सकते हो या 3 से कर सकते हो। 5 में भी ये होगा, यानी कि ये वो नंबर्स है वो या तो 1 की टेबल में आएंगे या फिर खुद की टेबल में आएंगे और किसी की टेबल में नहीं आएंगे, यानी कि इसके अंदर या तो 1 से डिवाइड कर सकते हो या खुद से डिवाइड कर सकते हो सभी नंबर्स में। और भी आगे तक चलेंगे, आप लोग 100 तक के नंबर्स के से के अंदर सोच सोच के लिखना कि कौन कौन से ऐसे नंबर्स हैं जिसमें हम 1 से और खुद से डिवाइड कर सकते हैं, तो जिससे आप लोगों को और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब हम देखते हैं कि यहाँ पे इसका मतलब मैंने बता ही दिया, इन सबके केवल दो दो फैक्टर्स है, ओनली वन एंड इटसेल्फ, ठीक है। अब 3 नोट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो नोट क्या है वो ध्यान से समझना, एक नंबर में पूछा जा सकता है और कई बार जब प्रोबेबिलिटी वगैरह पढ़ोगे ना तो वहां पे इससे क्वेश्चन बनाए जाते हैं। कैसे बनाए जाते हैं, हम लोग जब प्रोबेबिलिटी पढ़ेंगे चैप्टर 5th में या 6th में आई थिंक, तो वहां पे हम लोग देखेंगे इसको। तो देखो
सबसे पहला है वन इज नॉट ए प्राइम नंबर, वन एक प्राइम नंबर नहीं है, ये हमेशा याद रखना है। आगे हम लोग कंपोजिट पढ़ेंगे, वहां पे भी देखेंगे कि वन को कंपोजिट नंबर भी नहीं माना जाता है, तो बोल सकते हैं वन ना तो प्राइम नंबर होता है ना ही कंपोजिट नंबर होता है। दूसरा है देखो, ये जितने भी आप लोगों ने प्राइम नंबर देखे हैं ये सारे के सारे ओड दिख रहे होंगे आप लोगों को, 3, 5, 7, 11, 13 ये सारे के सारे ओड है, लेकिन 2 इकलौता ऐसा है जो क्या है इवन है, और साथ में 2 सबसे छोटा वाला प्राइम नंबर भी है, तो हम बोल सकते हैं 2 इज द स्मॉलेस्ट, एक तो सबसे छोटा है और एंड द ओनली इवन प्राइम नंबर, अकेला इवन प्राइम नंबर है। आई होप आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी। उसके बाद में देखो बाकी के सारे क्या है ओड है, अब ओड में सबसे छोटा कौन सा है, 3 है, तो हम बोल कोई पूछे कि बताओ सबसे छोटा ओड प्राइम नंबर कौन सा है, तो सबसे छोटा ओड प्राइम नंबर कौन सा है, 3। एकमात्र इकलौता ओनली वन इवन प्राइम नंबर कौन सा है, वो कौन सा है, 2। तो यहां पे लिख दिया 3 इज द स्मॉलेस्ट ओड प्राइम नंबर। आई होप आप लोगों को ये तीनों नोट समझ में आ गए होंगे। तो ये हमारे इसी के साथ प्राइम नंबर खत्म होते, इसके कुछ नोट और है जो कि हम नेक्स्ट स्लाइड पे पढ़ने वाले हैं, इसका कैसे यूज किया जा सकता है। अब हमारा जो नेक्स्ट स्लाइड का नंबर है वो है कंपोजिट नंबर्स। कंपोजिट नंबर्स एक्चुअल में कुछ भी नहीं है प्राइम नंबर्स का, जस्ट उल्टा है। प्राइम नंबर्स केवल एक से और खुद से डिविजिबल होते हैं, कंपोजिट नंबर्स क्या हो सकते हैं, एक के और खुद के अलावा किसी और से भी डिवाइड हो सकते हैं। ये भी कहां से पिक किए जाएंगे, नेचुरल नंबर्स में से पिक किए जाएंगे। तो डेफिनेशन क्या बनती है कि दोज नेचुरल नंबर्स, वो नेचुरल नंबर्स विच आर ऑल्सो डिविजिबल बाय अदर देन वन एंड इटसेल्फ, जो एक के और खुद के अलावा किसी और से भी डिविजिबल हो वो क्या कहलाते हैं, हमारे कंपोजिट नंबर्स कहलाते हैं। आई होप आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी। जब कोई नंबर एक से और खुद के अलावा किसी और से भी डिविजिबल हो रहा है, तो यानी कि उसके एक के खुद के अलावा और भी कोई फैक्टर हो सकता है, मतलब उसके 2 से ज्यादा फैक्टर हो सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे ब्रैकेट में भी लिख दिया और जो हैव मोर देन 2 फैक्टर्स, यानी जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं, ऐसे नंबर्स को क्या बोलते हैं, ऐसे नेचुरल नंबर्स को हम कंपोजिट नंबर्स बोलते हैं। एग्जाम्पल क्या है देखो, जैसे 4 है, तो 4 में 1 का और 4 का तो डिविज भाग जाएगा, मतलब ये 1 और 4 से तो डिवाइड होंगे। साथ में ये क्या हो रहा है देखो, डिविजिबल बाय 2 भी है, 4 भी है, 1, यानी देखो 1 के और 4 के अलावा किसी और से भी डिविजिबल हो रहा है क्या, हाँ हो रहा है। जैसे 6 की बात करें तो 6 1 और 6 के अलावा 2 से और 3 से भी डिविजिबल होता है। 8 की बात करें, 8 1 और 8 के अलावा 2 से और 4 से भी डिविजिबल होता है। मतलब ये जितने नंबर्स हम देख रहे हैं यहाँ पे, ये सारे के सारे ऐसे नंबर है जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर है, यानी ये खुद के और एक के अलावा किसी और से भी डिविजिबल हो रहे हैं। आई होप आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी। इसके अंदर भी 3 नोट, 4 नोट लिखे हैं मैंने, इन चारों नोटों को ध्यान से समझ लेना। मैंने यहाँ पहले भी बता दिया था कि 1 इज नॉट ए कंपोजिट नंबर, तो अब आप समझ सकते हो 1 ना तो प्राइम नंबर होता है, हम 1 की अगर बात करें तो 1 प्राइम नंबर भी नहीं होता और 1 कंपोजिट नंबर भी नहीं होता है। CN मतलब कंपोजिट नंबर है, PN मतलब प्राइम नंबर है। ये बहुत इंपॉर्टेंट नोट है, ध्यान रख सकते हो, ठीक है। क्योंकि क्या किया जा सकता है कि 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन ये डाल दिया कि विच वन इज द करेक्ट, कि 1 इज ए प्राइम नंबर एंड कंपोजिट नंबर, एक ऑप्शन ये डाल दिया, या 1 विच वन इज नॉट ए करेक्ट ऑप्शन, तो पहली लाइन में लिख दिया कि 1 प्राइम नंबर और नेचुरल नंबर है और कंपोजिट नंबर है, ऐसा पूछ लिया। अब आप लोगों को पता है कि ये नहीं है और उसने बोला है, यानी कि वो गलत बोल रहा है, इसका मतलब जो गलत स्टेटमेंट होगा वो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज आप लोगों को याद रखनी है। दूसरा है देखो, सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा है, साफ साफ दिख रहा है 4 है, तो 4 क्या है, सबसे स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर है। उसके बाद में देखो, शुरू के ये जो तीनों कंपोजिट नंबर है ना, ये तीनों के तीनों इवन है। उसके बाद में सबसे पहले नंबर में जो ओड कंपोजिट नंबर आता है वो कौन सा है, 9। तो पूछा जा सकता है सबसे छोटा ओड कंपोजिट नंबर कौन सा है, तो हम बोलेंगे 9 इज द स्मॉलेस्ट ओड कंपोजिट नंबर। आई होप ये बात भी आप लोगों के समझ में आ गई होगी। चौथा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। चौथा पॉइंट क्या है कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द पावर्स ऑफ प्राइम नंबर्स। अभी क्या बोला है कि जब हम किसी भी कंपोजिट नंबर्स के फैक्टर्स करेंगे, फैक्टर्स करने पे हम क्या चीज देखेंगे कि फैक्टर्स करने पे, देखो मैं 2 एग्जांपल से समझाता हूं। ये 24 के फैक्टर्स क्या होंगे, 2 × 2 यानी 4, 4 × 2 = 8, 8 × 3 = 24। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं,
टू तीन बार मल्टीप्लाई हो रहा है, टू की पावर कितनी होगी, थ्री, और मल्टीप्लाई थ्री, थ्री की कुछ भी पावर नहीं है, यानी उसकी पावर कितनी है, वन। अब यहां क्या हो रहा है देखो, ये एक कंपोजिट नंबर है, इस कंपोजिट नंबर को हमने देखो टू की पावर थ्री और थ्री की पावर वन, यहां टू और थ्री दोनों के दोनों क्या है, प्राइम नंबर है, यानी कि हमने एक कंपोजिट नंबर को प्राइम नंबर्स की पावर्स के फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया है। कोई सा भी कंपोजिट नंबर हो, सभी कंपोजिट नंबर्स को क्या किया जा सकता है, प्राइम नंबर्स की पावर्स के फॉर्म में एक्सप्रेस किया जा सकता है। नेक्स्ट स्लाइड में मैं एक दो एग्जांपल और करवा दूंगा, जिससे आप लोगों का और अच्छे से ये क्लियर हो जाएगा। एक और एग्जांपल है, जैसे 100 है, तो 100 के फैक्टर्स करोगे तो क्या होंगे, 2 × 2 × 5 × 5, 2 × 4 × 4 × 5 = 20, 25 × 100। तो अब इसको क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 लिखा जा सकता है, 5 की पावर 2 लिखा जा सकता है। तो देखो यहाँ पे लिख दिया, और यहाँ पे 2 और 5 ये क्या है, यहाँ पे प्राइम नंबर है, यानी फिर से हमने क्या किया, ये कंपोजिट नंबर था, इस कंपोजिट नंबर को हमने क्या किया, प्राइम नंबर्स की पावर्स की फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट नोट है, अभी ये नेक्स्ट स्लाइड पे एक दो क्वेश्चन करवाऊंगा, जिससे आप लोगों का और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। आई होप आप लोगों को कंपोजिट नंबर अच्छे से समझ में आ गया होगा। उसके बाद में हमारे जो नेक्स्ट टाइप के नंबर है वो है को प्राइम नंबर्स। अब को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं वो बहुत ध्यान से समझना। पहले बात तो को प्राइम में आप लोगों को प्राइम दिख रहा होगा, इसको लेके कंफ्यूज नहीं होना है। तो हम जो नंबर्स यूज कर रहे हैं इसमें क्या होगा, ऐसे नेचुरल नंबर्स ले लें, जरूरी नहीं है कि वो प्राइम ही हो, प्राइम हो भी सकते हो नहीं भी हो सकते। कौन से नंबर्स ले लें, पहले बात तो को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, पेयर होता है, यानी कि दो दो नंबर्स का जोड़ा होता है, एक पेयर है, पेयर ऑफ एनी टू नेचुरल नंबर्स, ऐसे दो नेचुरल नंबर्स का पेयर, जरूरी नहीं है कि प्राइम हो, प्राइम हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते। अभी एक एग्जांपल करेंगे तब अच्छे से समझ में आ जाएगा। जिनका एचसीएफ कितना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना आ रहा है, 1, यानी कि 1 ही ऐसा नंबर है जिससे हम क्या कर सकते हैं, दोनों को डिवाइड कर सकते हैं और किसी से नहीं कर सकते। इन एग्जांपल्स को समझते हैं, आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जैसे हम बात करें 1 और 2, तो 1 के फैक्टर्स क्या होंगे, 1 × 1 ही है अपने आप में। 2 के फैक्टर्स क्या हो रहे हैं, 2 × 1, दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, केवल 1 आ रहा है, तो हम बोलेंगे इसका एचसीएफ कितना है, 1 है। आप लोगों को एचसीएफ लेना आता होगा, मैं ये मान के चल रहा हूं। फिर 2 के फैक्टर्स करेंगे 2 × 1, 3 का 3 × 1, कॉमन क्या आ रहा है, ये आ रहा है, तो इनका एचसीएफ भी कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। फिर यहां बात करें 5 × 1 और 7 × 1, तो इसके फैक्टर्स में भी कॉमन क्या आ रहा है, ये आ रहा है, तो इसका भी एचसीएफ कितना है, 1। फिर इसके फैक्टर्स करें तो 11 का तो 11 × 1 होगा, 12 का क्या हो जाएगा, 2 × 2 = 4, 4 × 3 = 12 × 1। तो यहां पर भी आप देखोगे तो कॉमन 1 ही आ रहा है, तो यहाँ भी एचसीएफ कितना है, 1 है। आई होप ये बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। तो ये जो जितने भी पेयर मैंने नेचुरल नंबर्स के बनाए हैं, इन सबका एचसीएफ कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, इसका भी एचसीएफ कितना था, 1 था। तो ये जो पेयर है नेचुरल नंबर्स के, जिसके अंदर आप देख सकते हो ये दोनों किसके, प्राइम नंबर्स के पेयर हो रहे हैं, ये प्राइम नंबर के पेयर है भी है और नहीं भी, मतलब इन दोनों में हो रहे हैं, इन दोनों में एक प्राइम नंबर है दूसरा नहीं है, मतलब ऐसे दो नेचुरल नंबर पिक करने, केवल प्राइम नंबर हो भी सकते नहीं भी हो सकते, जिनका एचसीएफ कितना है, 1 है। तो ऐसे प्राइम नंबर्स के पेयर या फिर नेचुरल नंबर्स के पेयर को हम क्या बोलेंगे, को प्राइम नंबर्स बोलते हैं। आई होप आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी। इसके दो नोट है जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट नोट है, वो क्या नोट है ध्यान से समझना, कि पेयर ऑफ एनी टू कॉन्जुगेटिव नेचुरल नंबर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लगातार दो नेचुरल नंबर्स कोई से भी पिक कर लो, जैसे कि मैंने 78 लिया तो अगला 79 ले लो, मैंने 100 लिया तो अगला क्या हो गया, 101 हो गया, या फिर 99 हो गया उससे पहले वाला। लगातार कॉन्जुगेटिव दो नेचुरल नंबर्स कोई से भी उठा लो, उनका एचसीएफ हमेशा कितना आता है, 1 आता है। आप लोग करके देख लेना, यहां मैं एक एग्जांपल से समझा दूंगा। जब आप लोग जब उनका एचसीएफ 1 आ रहा है, उन दोनों नंबर्स के पेयर को हम क्या बोल सकते हैं, को प्राइम नंबर बोल सकते हैं। तो यहां नोट क्या लिखा है कि पेयर ऑफ एनी टू कॉन्जुगेटिव नेचुरल नंबर्स, लगातार दो नेचुरल नंबर्स का जो पेयर है वो क्या होगा, ऑलवेज को प्राइम होगा, हमेशा को प्राइम होगा। क्यों होगा, क्योंकि उनका एचसीएफ हमेशा कितना होता है, 1 होता है। आई होप आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी। उसके बाद में सेकेंड है, पेयर ऑफ एनी टू प्राइम नंबर्स, दो प्राइम नंबर्स कोई से भी उठा लो, उनका पेयर भी हमेशा को प्राइम होगा, क्योंकि उनका भी एचसीएफ कितना होता है, 1 आता है। कैसे, एक एग्जांपल से देखते हैं। तो देखो हमने लगातार दो नंबर्स ये पिक किए, इसका देखो मैंने यहां एक्सप्लेन कर दिया है फैक्टर्स करके,
तो आप यहां से समझ लो, मैं यहां जगह नहीं है इसलिए यहां समझा देता हूं। यहां क्या हो रहा है, 11 के फैक्टर्स 11 मल्टीप्लाई 1, 12 के फैक्टर्स 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 1, दोनों में केवल एक कॉमन आ रहा है, तो कॉमन फैक्टर कितना हुआ 1 है, तो एचसीएफ बराबर कितना आ रहा है 1, यानी लगातार दो नंबर्स दिए हमने उनका एचसीएफ कितना आया 1 आ रहा है। आप कोई दूसरा नंबर पेयर उठा के देखना, उसको करके देखना, आप लोगों को पता चल जाएगा कि उनका एचसीएफ हमेशा कितना आएगा 1 आएगा। फिर आता है पेयर ऑफ एनी टू प्राइम नंबर्स, लगातार दो मतलब लगातार क्या, कोई से भी दो प्राइम नंबर उठा लो उनका पेयर लो तो उसका एचसीएफ हमेशा 1 आता है। जैसे यहाँ पे मैंने 11 और 13 लिया है, तो इसको मैं यहाँ एक्सप्लेन कर देता हूँ, 11 के फैक्टर 11 मल्टीप्लाई 1, 13 के फैक्टर 13 मल्टीप्लाई 1, दोनों में कॉमन क्या आ रहा है 1 आ रहा है, तो एचसीएफ कितना होगा इनका 1 होगा। आई होप आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी। अब ये हम पढ़ क्यों रहे हैं, इनका यूज क्या है, कैसे हम इसको यूज कर सकते हैं, इसको हम नेक्स्ट लाइन पे देखते हैं। और एक टाइप का नंबर और है, इसके साथ ही हमारा लेक्चर नंबर 1 स्टार्ट हो जाएगा, इसके अंदर हम 2-3 क्वेश्चंस भी करते हैं, ये भी नोट कर लीजिए। अब हम देखते हैं कि अभी हमने लास्ट स्लाइड पे जो पढ़ा था कि कोप्राइम नंबर्स पढ़े थे, उन कोप्राइम नंबर्स को कैसे यूज किया जा सकता है। इसके अलावा एक टाइप के नंबर और है हमारे ट्विन प्राइम नंबर्स, और लास्ट में हम लोग 2 क्वेश्चंस करते हैं। तो देखो, सबसे पहले हमने अभी देखा है कि कोप्राइम नंबर्स एक्चुअल में कौन से नंबर्स होते हैं, ऐसे नंबर्स जिनका एचसीएफ 1 होता है। तो इसमें दो कैटेगरी हमने दो नोट से हमने समझा था कि लगातार दो नंबर्स का एचसीएफ हमेशा 1 होता है, और दो प्राइम नंबर्स है उनका पेयर अगर लोगे तो उनका एचसीएफ भी 1 होता है। लेकिन अगर हमें इनका एलसीएम निकालना हो तो एलसीएम कैसे निकालना है, वैसे तो अगर मान लो जैसे मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल के लिए समझाया कि ए और बी क्या है, दो कोप्राइम नंबर्स है, तो उनका एलसीएम तो हम क्या करेंगे, बच्चों के जैसे नहीं करने बैठेंगे कि पहले यहाँ इसको लिखा फिर यहाँ पे इसको, तुम क्या कर रहे हो फैक्टर्स वगैरह कर रहे हो, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड वगैरह फॉलो करके, और फिर क्या कर रहे हो सबको मल्टीप्लाई करके एलसीएम निकाल रहे हो, वो तरीका हमें फॉलो नहीं करना। हमें अगर दिख गया कि ये दो क्या है को प्राइम नंबर्स है, यानी कि या तो लगातार दो नंबर्स है या दोनों प्राइम नंबर्स है, तो हम डायरेक्ट इनका एलसीएम निकाल सकते हैं। दोनों नंबर्स को क्या कर दो, सिंपली मल्टीप्लाई कर दो, आप लोगों को जो रिजल्ट मिलेगा वो क्या होगा, हमारा एलसीएम होगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ अप्लाई करना हो तो यहाँ हम लोग 3,7 फिर 3 से डिवाइड करेंगे 1, 7 से डिवाइड करेंगे 1,1, ये नहीं करना है, ये बच्चों वाला तरीका हो गया। अब अगर आप लोगों को देख पा रहे हो तो देखो 3 और 7 दोनों के दोनों क्या है प्राइम नंबर्स, कितने तो प्राइम नंबर्स है, तो डायरेक्ट इनका एलसीएम कितना आएगा 21। आगे का पार्ट मैं सोल्व नहीं कर रहा हूँ, आप लोग कर लेना, चलो मैं कर देता हूँ आप लोगों के लिए। फिर इससे 3 से क्या करेंगे 21 को डिवाइड करेंगे 7 टाइम, 7 को 2 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई 14 आएगा, प्लस इसको इससे क्या करेंगे डिवाइड करेंगे कितना आएगा 3, 3 को 5 से मल्टीप्लाई किया 15, दोनों का सम करेंगे 29 डिवाइड बाय 21, तो हमारा फाइनल आंसर क्या हो गया 29 डिवाइड बाय 21। यहां देखो लगातार दो नंबर्स आप लोगों को दिए हुए, जब लगातार दो नंबर्स होते हैं तो उनका एलसीएम कैसे निकालोगे, ये दोनों के दोनों प्राइम होंगे कोप्राइम होंगे, तो कोप्राइम को डायरेक्ट क्या कर सकते हो मल्टीप्लाई करके एलसीएम निकाल सकते हो, 90 आएगा, इसके इसमें डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 10 आ गया, 10 को 5 से मल्टीप्लाई किया 50, प्लस इसका इसमें डिवाइड करेंगे 9 टाइम होगा, 9 को 3 से मल्टीप्लाई किया 27, जब सम करेंगे तो कितना आएगा 77 डिवाइड बाय 90, ये क्या हो गया हमारा फाइनल आंसर हो गया। आई होप आप लोगों को इसका मतलब यूज समझ में आ गया होगा। इसके साथ ही हमारे जो नेक्स्ट टाइप के नंबर्स थे वो भी हम देख लेते हैं, ट्विन प्राइम नंबर्स। अब ट्विन प्राइम नंबर्स क्या होते हैं वो ध्यान से समझना, पेयर ऑफ ये भी क्या होता है ट्विन, यानी कि जोड़े के रूप में होंगे दो पेयर, लेकिन यहां कौन से नंबर्स के पेयर लेने, प्राइम नंबर्स के पेयर लेने। वहां हमने कोप्राइम नंबर्स में देखा था कि प्राइम नंबर हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते, लेकिन ट्विन प्राइम नंबर्स में क्या है, कंडीशन जरूरी है कि ऐसे प्राइम नंबर्स जिनका डिफरेंस क्या है, ऐसे दो प्राइम नंबर्स जिनका डिफरेंस कितना आता हो, दो आता हो, तो उनके पेयर को हम क्या बोलते हैं, ट्विन प्राइम नंबर्स बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे 5, 7, ये दोनों के दोनों प्राइम नंबर है, ये दोनों भी प्राइम नंबर है, ये भी प्राइम नंबर है, ये भी प्राइम नंबर्स है, इन दोनों का डिफरेंस देखो कितना आ रहा है, 7 - 5 करोगे तो कितना आ रहा है 2 आ रहा है, यहाँ भी डिफरेंस कितना आ रहा है 13 - 11 = 2, इनका भी डिफरेंस कितना आ रहा है 2, तो ये जो पेयर हमने लिखे हैं ये कौन से पेयर कहलाते हैं, ट्विन प्राइम नंबर्स के पेयर कहलाते हैं। अगर कभी यूज होता है तो हमें इनको याद रखना है, जिससे कि हमारे को कभी प्रॉब्लम नहीं हो कि हमने तो ये पढ़े ही नहीं है। तो आई होप आप लोगों को ये सारे टॉपिक समझ में आ गए होंगे, इसके ऊपर हम 2 क्वेश्चंस भी कर लेते हैं जिससे आप लोगों को और अच्छे से सारी चीजें समझ में आ जाएगी।
तो देख जैसे मैंने दो क्वेश्चन लिखे, एक्सप्रेस 120 एज द पावर्स ऑफ प्राइम नंबर्स, यानी 120 को प्राइम नंबर्स की पावर्स की फॉर्म में लिखना है। ये हमने देखा था जब कंपोजिट नंबर पढ़ा था, तो उसका लास्ट नोट यही था हमारा। तो 120 को क्या लिख सकते हैं, 2 से डिवाइड करेंगे 60 आएगा, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 30 आएगा, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 15 आएगा, फिर 3 से डिवाइड करेंगे 5 आएगा, फिर 5 से डिवाइड करेंगे 1 आ जाएगा। यानी कि हमारा फाइनल ये क्या हो गया, फैक्टर्स इसके ही। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 2 पावर 3 मल्टीप्लाई 3 पावर 1 मल्टीप्लाई 5 पावर 1। तो देखो ये जो 2, 3, 5 है, ये क्या है हमारे प्राइम नंबर्स है कि नहीं है, तो हमने क्या किया इनको प्राइम नंबर्स की पावर्स की फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया। आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। एक क्वेश्चन और करते हैं हम लोग इस पे कि इफ 144 कैन बी एक्सप्रेस एज 2 पावर m मल्टीप्लाई 3 पावर n देन फाइंड द वैल्यू ऑफ m प्लस n। यानी कि अगर 144 को हम इस फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं तो m प्लस n की वैल्यू बतानी है। तो हम क्या करते हैं, इसको फैक्टर्स करके इस फॉर्म में अरेंज करते हैं। यहां जब भी कंपेयर करेंगे तो 2 की पावर में कुछ आ रहा होगा वो m की वैल्यू होगी, 3 की पावर में जो होगा वो n की वैल्यू होगी। तो 144 के फैक्टर्स कर लेते हैं, 2 से डिवाइड करेंगे 72 टाइम्स, फिर से 2 से डिवाइड करेंगे, आप लोग चाहो तो ऐसे कर सकते हो ठीक है, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 36, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 18, फिर 2 से डिवाइड करेंगे कितना होगा 9 होगा, फिर 3 से डिवाइड करेंगे और 3 से डिवाइड करेंगे। तो ये जो हमारा आंसर आएगा ये क्या होगा, 2 2 4 2 8 2 16 2 एक और आएगा यहाँ पे 3 केवल शायद 1 टाइम्स ही आएगा ठीक है, 4 आएगा 2 बार आएगा भाई, 2 से डिवाइड करेंगे 72 आएगा, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 36 आएगा, 2 से डिवाइड करेंगे 18 आएगा, 2 से डिवाइड करेंगे 9 आएगा, 3 टाइम्स आएगा, 2 टाइम्स आएगा ठीक है, और 4 बार आएगा ठीक है। इसको क्या लिख सकते हैं, 2 पावर 4 मल्टीप्लाई 3 पावर 2। अब जब हमने ये लिख दिया है और हमारे को उसने बोला है कि इसको किस फॉर्म में एक्सप्रेस किया गया है, 2 पावर n, जब कंपेयर करोगे तो m की वैल्यू तो कितनी है 4 है और n की वैल्यू कितनी है 2 है, तो जब m प्लस n निकालोगे तो वो कितना आएगा 4 प्लस 2 = 6। तो हमारा फाइनल आंसर कितना हो गया 6। आई होप आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी, इसको भी आप नोट कर लीजिए। इसी के साथ आज का हमारा लेक्चर नंबर 1 खत्म होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा फ्रैक्शंस का आइडिया लेके और फ्रैक्शंस के बारे में पढ़ के हमारा जो मेजर टॉपिक है, जो कि हमारा चैप्टर का नाम भी है रैशनल नंबर, वो स्टार्ट करेंगे। ये हमने बेसिक्स क्लियर कर लिए है, सभी नंबर्स के बारे में जान लिया है, ये नंबर बीच बीच में यूज होंगे, तो इसलिए हमारे को पहले से पता होना चाहिए कि कौन से टाइप के नंबर को क्या बोलते हैं, कैसे यूज करते हैं, वो हमने आज के लेक्चर में देख लिया है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को अगर अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए, जिससे कि आगे आने वाले जो आपके सभी लेक्चर्स हैं उसके नोटिफिकेशन आपको पहले से ही मिल जाए। तो चलिए तब तक के लिए थैंक यू।